हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय पथ में। तो बच्चे, आप करंट अफेयर आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है, डेली करंट अफेयर सीरीज में बहुत सारी ऐसी बकवास बातें हम पढ़ते हैं जिनका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मोदी जी किससे हाथ मिलाया, कहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम के लिए सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सिर्फ हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करवाएंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो और एग्जाम में आपके पूरे के पूरे नंबर आए बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज की। कोई भी मंथ के आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, सबसे पहले उसमें जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला दिन आया था विश्व अध्यापक दिवस। विश्व अध्यापक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे बच्चे मनाया जाता 5 अक्टूबर को। और नेशनल मतलब इंडिया में कब मनाया जाता, 5 सितंबर को जो नेशनल टीचर डे है, लेकिन इंटरनेशनल 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। तो ये 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को भी मनाया गया था। विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे, 9 अक्टूबर को मनाया गया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे जो कैटेगरी है बच्चे, व्यक्ति विशेष की, मतलब कौन सा व्यक्ति किस पद पे चुना गया है, ये भी एग्जाम में बार बार आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस लाइव को जल्दी जल्दी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी को इससे फायदा हो। इन्हें हाल में ही ICICI बैंक का MD और CIO बनाया गया है। किसे बनाया गया है, ICICI बैंक का चंदा कोचर काफी समय से इसकी CIO थी, तो इनके स्थान पर बनाया गया बच्चे संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी नए MD और CEO बने हैं ICICI बैंक के, जो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही उभरता हुआ बैंक है। अगला बात लेते हैं, भारत का नया सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो नया सोलिसिटर जनरल है बच्चे तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आपको इसका PDF भी मिलेगी इस वीडियो के लिंक के नीचे, यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें PDF भी आपको इसकी मिल जाएगी। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, गीता गोपीनाथ जो भारत से बिलोंग करती हैं, और रघुराम राजन जो पहले गवर्नर थे वो भी इसके रह चुके सदस्य है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और वर्ल्ड बैंक है, वो सभी को लोन प्रोवाइड करता है। अभी क्लास लंबी चलेगी, लेकिन एक छोटी सी जानकारी बीच में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए आप। जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, मेरा नाम सर्च कीजिए बच्चे, सुनील कुमार खरब के HARUB, तो सारे के सारे मैथ्स के और सभी सब्जेक्ट के वीडियो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो अभी जाके देखिए और फॉलो भी कीजिए वहाँ पे जाके। अभी व्यक्ति विशेष में कुछ और नए मेंबर जुड़े हैं, उनको भी देखते हैं। हाल में ही IDBI बैंक के MD और CIO, ICICI का हमने जाना संदीप बख्शी, IDBI बैंक इसके ने MD या CEO किसने बनाया, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, तो वो बंदा अलग है, लेकिन इनका नाम भी क्या है, कॉन्सिडेंस राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत से इस्तीफा दे दिया, निक्की हेली, बहुत ही फेमस या मेसन न्यूज में रहती हैं। तो इन्होंने अमेरिकी राजदूत से UN के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं उसके अंदर इस्तीफा दे दिया है। अब हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है टोटल 31 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 30 होते हैं जज और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिन रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इस पद दिलाता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश पद नहीं संभाल रहा है तो उसकी जगह पद संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो देश का
जो पद संभाल लेगा उसको वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी एक हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी हुआ है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक, इसमें यह बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले जापान का नंबर वन पासपोर्ट, सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है जापान का। तो जापान का जो भी जिनके पास पासपोर्ट है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो 190 कंट्री में उनको वीज़ा वहाँ जाते ही मिल जाता है, बहुत स्ट्रांग है। दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, फिर जर्मनी, फ्रांस और साउथ कोरिया का नंबर आता है। ये साउथ कोरिया बचे। इंडिया का रैंक ही पूछा जा सकता है, इंडिया का रैंक इसके अंदर 81 है, 81वां रैंक है। जो इंडिया का है बच्चे वो 60 कंट्री के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल है, हम 60 कंट्री में जाएंगे तो हमारा वीज़ा जाते ही मिल जाता है, बाकी जगह हमें वीज़ा के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे स्ट्रांग है पासपोर्ट जापान का, दूसरा सिंगापुर का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल में ही सर्वोच्च कैंपस रैंकिंग 2018 में किस सरकारी विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी उसमें सबसे पहला रैंक मिला है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से, MDU रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को पहला रैंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा हाल में ही जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत को, मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 115वां रैंक मिला बच्चे। अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में भी जान लीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अनुसार आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन चीज़ आपको पढ़ने जो एग्जाम में आती है, आधा टाइम तो हम उसमें वेस्ट कर देते हैं जो एग्जाम में आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। युवा ओलंपिक खेल में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो मन्नू भाकर। तो यूथ ओलंपिक है उसमें जो भारतीय ध्वज, मन्नू भाकर बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें, अभी निशानेबाजी में भी पहला पदक किसने जीता, मन्नू भाकर ने, गोल्डन गर्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पार्टनर राज्य कौन सा था, मतलब गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा अब की बार उसका जो पार्टनर राज्य होगा होगा झारखंड। अब बच्चे नोबल प्राइज गिवन है, नोबल प्राइज से 100% क्वेश्चन रहेगा चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शेयर करते रहिए लाइव को। नोबल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ, नोबल पीस प्राइज और नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज, बाकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो नोबल पीस प्राइज है, दो बंदों को मिला, नादिया मुराद और डेनिस मुकवेज। नादिया मुराद इराक से हैं और डेनिस मुकवेज कांगो से हैं। इनको क्यों मिला था, नादिया ने यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाई थी और डेनिस ने भी यौन हिंसा शिकार महिलाओं को इलाज किया था। नोबल पीस प्राइज पूछा जा सकता है। नादिया मुराद इराक से हैं और डेनिस मुकवेज कांगो से हैं। अब नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज मतलब अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में बच्चे मिला है, दो बंदों को मिला है अभी, विलियम डीन नोर्डहाउस और पोल एम रोमर। आप विलियम और पोल को याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे विलियम और पोल। इनको मिला जलवायु परिवर्तन पर नई तकनीक की खोज के लिए। तो थोड़ा सा नोबल प्राइज़ के बारे में मैंने मैंने बातें आपको बता देता हूँ। नोबल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबल है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में दिया जाता है छः फील्ड के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन प्राइज, पीस प्राइज, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। इस साल 5 में दिया गया है, लिटरेचर में इस साल नहीं दिया गया है। और ये सारे के सारे बच्चे दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी, इनमें से 5 दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और एक प्राइज़ है जो नोबल पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। और एक मेन बात है, ये 1901 में शुरू हुआ था नोबल प्राइज़, 5 शुरू हुए थे, 1969 में इकोनॉमिक्स वाला स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहला भारतीय जिन्हें नोबल प्राइज़ प्राप्त किया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, लिटरेचर में उनको 1913 में मिला था। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं क्योंकि नोबल प्राइज़ के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। अभी तक आपने विजयपथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजयपथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कहीं जाना नहीं है, फिर बेल आइकन आएगा, उसके विद इन 1 or 2 सेकंड बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको PDF लेनी है जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप अनअकैडमी का लिंक और वीडियो जो यूट्यूब चैनल का लिंक है जो फेसबुक पर देख रहे हैं ऊपर गिवन है कैप्शन में, तो फॉलो कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है सर्च करने में क्योंकि चैनल नया है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9728435915, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक का डेली PDFs,
मैथ्स, रीजनिंग सभी क्रैश कोर्स लगातार चल रहे हैं, लाइव क्लास सुबह से शाम तक धड़ाधड़ क्लास चलती हैं, तो इसको इतना शेयर कर दीजिए बिल्कुल सब तक ये बात पहुंच जाए कि विजय पथ में बहुत ही अच्छी क्लासेज, अच्छे टीचर, अच्छी टीम जुड़ी हुई हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी फैसिलिटी घर बैठे प्रोवाइड कर रही हैं। आपको कहीं भी कोचिंग लेने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ विजय पथ को फॉलो कीजिए और अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कीजिए।